तो चलिए इस वीडियो में हम मुद्रा स्फीति सूचकांकित बॉन्ड को समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड बोला जाता है। तो आप समझिए, जो ऋण पत्र और बॉन्ड पर जो ब्याज मिलता है वह अंततः कम हो जाता है। ये कम क्यों हो जाता है? क्योंकि महंगाई या मुद्रास्फीति को उसमें एडजस्ट नहीं किया जाता है। नॉर्मली आप जो ऋण पत्र या बॉन्ड खरीदते हैं उस पर जो ब्याज मिलता है, आप सोचते हैं 2 साल के बाद 10% ब्याज मिला, लेकिन दरअसल 2 साल के बाद महंगाई भी तो बढ़ी, लेकिन महंगाई को एडजस्ट करके आपको ब्याज नहीं दिया जाता, केवल ब्याज दिया जाता है, ठीक है, जिससे मुद्रास्फीति बचत और आय को कम कर देता है। ठीक है, उसमें मुद्रास्फीति को एडजस्ट नहीं किया गया। अब मुद्रास्फीति को जब एडजस्ट नहीं किया गया तो मुद्रास्फीति आपकी बचत और आय दोनों को कम कर देता है। निवेशकों की आय को मुद्रास्फीति की मार से बचाने के लिए RBI द्वारा मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड जारी किए गए। इसी मार से बचाने के लिए निवेशकों को बचाने के लिए RBI द्वारा मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड जारी किए गए। इसकी घोषणा बजट 2013-14 में किया गया था। तो आप समझ गए होंगे मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड क्या होते हैं। बेसिकली ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें महंगाई को एडजस्ट कर लिया जाता है, जिससे जो निवेशक होते हैं उनकी आय मरती नहीं है, उनकी बचत मरती नहीं है और अच्छा खासा वो फ़ायदा उठा पाते हैं।